अब आगे बढ़ेंगे। मानसा में आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने नीले कार्ड काटे जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व पंजाब की आम आदमी पार्टी की कोर कमेटी के चेयरमैन प्रिंसिपल बुधराम ने किया और धरने को तलवंडी साबो से विधायक बलजिंदर कौर ने संबोधित किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर धरना देकर पंजाब सरकार पर गरीब और जरूरतमंद लोगों के 20,000 से ज्यादा नीले कार्ड काटे जाने का आरोप चढ़ा। आम आदमी पार्टी के विधायक बलजिंदर कौर ने यह कहा कि कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान सरकार को गरीब की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने उल्टा गरीब के नीले कार्ड काटने का काम किया। मतलब इस कर्फ्यू के टाइम के भी मैं बहुत अफसोस है कि जिथे राशन हर घर तक पहुँचना सगा उ राशन को लैके भी एक घटिया जी पॉलिटिक्स की गई है। लोगों के वंडियां पा दतिया सगिया पार्टी को लैके किसने वोट किन दिता है, वोटों के आधार पर लोगों के लड़ाइया कराई गई। सो अज मजबूरन जोड़े गरीब परिवार जोड़े वाक्य जी जिन्हों के राशन कार्ड होने चाहिए, सरकार ने ज्यादतियां कीतिया ने, सरकार ने धक्का किया है जिन्हों के राशन कार्ड कट दते। सो उन्होंने लैके अज सा इतने जोड़ा एक शांतमई तरीके दे नाल धरने दे रूप दे विच सरकार दे कन्नां तक आवाज़ पहुंचाउण दा काम असीं कर रहे हां। पिछले 3 महीनों तो पंजाब दे विच सारे पासे गरीब लोगों के कार्ड कटते, जिहड़े मानसा च मैं देखिया कि उहदे घट्टो घट 20-25,000 कार्ड कटता, मेरे बुढ़ाडा हल्के 8,000 कार्ड कटे ने। और दुख की गल यह है भी इस करोना के समय के जो कार्ड होर बनने चाहिए सी, लोगों के घर राशन पहुँचना चाहिए सी, परंतु इतने इन्ह की कांग्रेस सरकार की एड्डी माड़ी नीति गरीबों प्रति कि इन्होंने कार्ड ही कटते। और कार्ड कट दो किसी के जो नजायज़ बने कोई दुख नहीं, परंतु कार्ड वो कट्टे गए हैं जिहड़े बिल्कुल ही लोड़वंद सीगे,